हेलो एवरीवन, दिस इज लतिका मैम एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक। टॉपिक इज हीट कैपेसिटी। टॉपिक क्या है हमारा? हीट कैपेसिटी। ठीक है, क्या होती है हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी होती है कि हमने कितनी अमाउंट ऑफ हीट किसी सब्सटेंस को दी कि उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन राइज किया। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी में लिखेंगे हम द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कितनी हीट हम दें किसी भी सब्सटेंस को कि उसका टेम्परेचर हम कितना राइज करें सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसकॉल्ड क्या बोलते हैं बेटा उसे? हम हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं उसे? हम हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं उसे? हम हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में हमारे पास 2 मोर टर्म्स आते हैं फर्दर। एक होते हैं उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होती है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कि अभी तक हमने ये पढ़ा कि हम हीट देंगे किसी सब्सटेंस को कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करे, लेकिन अगर वह सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम है, 1 ग्राम सब्सटेंस को हम कितनी हीट दें कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हम यहां क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस है ना, इफ द अमाउंट ऑफ हीट, सॉरी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। देखो पहले वाली डेफिनेशन की तरह सेम ही है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बेटा उसे हम? इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम उसे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे उसे हम? इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आई होप समझ में आया। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी होती है कि हम किसी भी सब्सटेंस को कितनी हीट सप्लाई करें कि उसका टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस राइज करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? कि हम अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, अब की बार सब्सटेंस की क्वांटिटी भी मेंशन कर दी, 1 ग्राम सब्सटेंस, कि अगर हम 1 ग्राम सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस को हम कितनी हीट सप्लाई करें कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है। टर्म क्या होती है बेटा? नेक्स्ट होती है उसे हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, क्या होता है? क्या कहते हैं उसे हम? मोलर हीट कैपेसिटी। क्या होती है मोलर हीट कैपेसिटी? मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? है तो हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब नाम देखते समझ गए कि हमने हीट सप्लाई करनी है और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर देना है, बट फिर मोलर क्या बता रहा है बच्चों? तो
मोलर बता रहा है सब्सटेंस की क्वांटिटी। हाँ बिल्कुल सही जज कर रहे हो कि जो सब्सटेंस है वो कितना है हमारे पास, 1 मोल। सब्सटेंस कितना है, 1 मोल। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी में, द अमाउंट, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कि कितना अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं किसी सब्सटेंस को, सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी है, 1 मोल सब्सटेंस, ताकि उसका टेम्परेचर कितना राइज करे, 1 डिग्री सेल्सियस राइज करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम उसे, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या बोलते हैं उसको हम, मोलर हीट कैपेसिटी। आई होप ये जो चीजें हैं आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, इसमें आपको कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी सबको समझ में आ गई है। इसके बाद हम नया टॉपिक लेते हैं, टॉपिक क्या आता है, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी लिखते हैं और उसके सबस्क्रिप्ट में लगा देते हैं वी, स्मॉल वी। ठीक है, सो दिस वन इज मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या कहती है, अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो वही है, 1 मोल सब्सटेंस को हम कितना हीट करें कि उसका जो टेम्परेचर है वो कितना राइज करे, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कब कब नाम बताता है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्या बोल रहा है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो आपने बस यही चीज मेंशन करनी है, आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कि अब हम वॉल्यूम कॉन्स्टेंट की बात कर रहे हैं, अगर वॉल्यूम जो सी है वो कॉन्स्टेंट रहती है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है, एक ऐसी वॉल्यूम जो चेंज ना हो, मतलब कि अगर आपने पानी एक ग्लास में लिया है तो क्वांटिटी जो पानी की है ग्लास में वही रहेगी, आप चाहे उस पानी को ग्लास से किसी और कंटेनर में क्यों ना ट्रांसफर कर लो, मतलब वॉल्यूम रिमेन्स सेम। सो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द अमाउंट हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कर रहे हैं हम, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस कॉल्ड क्या होगा बेटा, ये मोलर हीट कैपेसिटी, इस कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट, कहां पे है, ये वॉल्यूम पे। ठीक है, अब जब हम मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल सी वी, और जो कि बराबर किसके होता है, सी वी बराबर होता है किसके, डेल्टा यू बाय डेल्टा टी के। ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको लर्न होनी चाहिए बेटा अच्छे से, ये एग्जाम में एज सच
एमसीक्यू की फॉर्म में भी पूछ ले जाती है कि अगर हम बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की तो वह किसके बराबर होगा, तो आपको बताना होगा वहां पर कि डेल्टा यू बाय डेल्टा टी के। जैसे कि मैंने बताया, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर डेल्टा ट्राइंगल मेंशन हो, ट्राइंगल की जगह यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं डी यू बाय में डी टी। ठीक है, सीवी किसके इक्वल हो जाएगा, डी यू बाय में डी टी, तो ये भी टर्म हमें मिल सकती है। आई होप ये जो चीज है मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब हमारी नेक्स्ट जो टर्म रहेगी क्या लेंगे हम, मोलर हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी ले रहे हैं हम एट कॉन्स्टेंट, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये ठीक है। तो क्या होती है मोलर हीट कैपेसिटी, फिर से हम बात कर रहे हैं वही कि कितनी हम हीट सप्लाई करें एक मोल सब्सटेंस को कि उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ हो, लेकिन कब, जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जब हमारे पास प्रेशर क्या रहता है कांस्टेंट। तो इसे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या लिखेंगे आगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, ये पुराने वाले देखो डेफिनेशन, ये एक डेफिनेशन अगर आपको बच्चे अच्छे से लर्न हो गई तो आप बाकी डेफिनेशन भी आसानी से देखो लिख पाओगे, है ना। अगर आपने पहली डेफिनेशन को आसानी से समझ लिया है तो ये डेफिनेशन आप आसानी से लिख पा रहे होंगे। सो क्या कहते हैं इसमें, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ किसका, ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय वन डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं हम इसे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बोलते हैं हम इसे। आई होप समझ में आ गया है। अब इसका जो एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि हीट कैपेसिटी ही है तो हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल सी, कैपिटल सी। मोलर हीट कैपेसिटी, ये हमका हीट कैपेसिटी ही हो गई तो हमने सी से रिप्रेजेंट किया। प्रेशर कॉन्स्टेंट है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो हम यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, सीपी किसके इक्वल होता है, ये डेल्टा एच बाय डेल्टा टी के। और आपको जैसा कि मैंने एक और चीज भी बताई बेटा, क्या बताया कि रैदर की यहां पर हम डेल्टा एच बाय डेल्टा टी लिखें, इसकी जगह हम एक और चीज भी लिख सकते हैं, वह क्या, जो सीपी होता है वह किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू डी एच बाय डी के। ठीक है, ये चीजें आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं सीपी और सीवी का रिलेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है टॉपिक हमारा, रिलेशन बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन सीपी
एंड सीवी, सीपी और सीवी में हमारा क्या रिलेशन इसमें रहता है, ठीक है, सीपी और सीवी में हमारा क्या रिलेशन रहता है, तो क्या रहता है वो अब हम चीजें यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, ठीक है। क्या होता है बेटा, अगर हम मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें, मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें कब, जब हमारे पास वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहती है, तब सीवी किसके इक्वल मिलता है, डेल्टा यू बाय में डेल्टा टी के। क्या ये बात सही है, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अगर हम बात करते हैं तो जो सी वी है वो किसके इक्वल मिलता है, डेल्टा यू बाय डेल्टा टी के। ऐसे ही हम हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो किसके इक्वल मिलता है, यह है डेल्टा एच बाय में डेल्टा टी के, ठीक है। तो यहाँ पर हमें CV मिल गया, हमें यहाँ पर CP मिल गया है। अब हमें इन दोनों में रिलेशन निकालना है कि एक्चुअल में इसमें आगे हम फर्दर क्या इनमें रिलेशन होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन और आती है, एक्सप्रेशन क्या होती है, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ठीक है। H किसके इक्वल होता है, U प्लस पी वी के। अब यहाँ पर हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, चेंज लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है, बाय कीपिंग प्रेशर कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा H बाय डेल्टा T किसके इक्वल हो जाएगा, यहां भी आगे ऐसे लगाना है, डेल्टा U बाय डेल्टा T, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। प्लस में P को हमने कांस्टेंट माना, क्या लिया, P डेल्टा V बाय में T। अब देखो बेटा, एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारे पास, वो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, जो हमारे पास PV होता है वो किसके इक्वल होता है, एन आर टी के। डन। प्रेशर कांस्टेंट मान रही है और n यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1 मोल है, तो PV किसके इक्वल हो जाएगा, RT के। प्रेशर को कांस्टेंट मान के जब हम यहाँ पर चेंज लिखेंगे तो क्या आएगा, P डेल्टा V इक्वल टू R डेल्टा T। क्या ये बात सही है, ये डेल्टा T अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, P डेल्टा V बाय डेल्टा T इक्वल टू व्हाट, आर, ठीक है। तो हम इस पूरे जो ये हमारे पास पूरे टर्म है इसकी जगह अब हम क्या राइट डाउन कर देंगे, आर लिख देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं डेल्टा एच बाय डेल्टा टी किसके इक्वल है, सीपी के, तो यहां हमने लिखा सीपी। ये टर्म किसके इक्वल है, सीवी के, तो यहां हमने लिखा सीवी। प्लस में क्या आ जाएगा, आर। इस CV को इस साइड हम लेके जा सकते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CP, देखो ये रिजल्ट है, दोबारा लिख रही हूं, प्लस R, ये हमारे पास आ रहा है रिजल्ट। इस CV को अब हम इधर लेके जाएंगे तो CP किस माइनस CV किसके इक्वल हो जाएगा, R के, ठीक है। जहां पर हमारे पास टर्म क्या क्या है, वेयर CP क्या बता रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट बताना पड़ता है ना, हमने क्या क्या टर्म यूज करी, हमारे फाइनल रिजल्ट में क्या आ रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी किस पे, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। जो सीवी है ये क्या बता रहा है यहां पे बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के, ठीक है। और जो हमारे पास टर्म आर है, आर क्या बता रही है, आर बता रहा है यहां पे गैस कॉन्स्टेंट, क्या है, गैस कॉन्स्टेंट। आई होप ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। ये एक्सप्रेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, दैट हाउ विल यू डिराइव द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। मोर ओवर ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास नीट के एग्जाम में भी आया हुआ है कि सीपी और सीवी का रिलेशन क्या होता है। नीचे आपके पास फोर ऑप्शंस दिए गए हैं, इन फोर ऑप्शंस में से आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको ये याद होगा, तो जिस बच्चे को याद होगा जिसने नीट का ओवल एग्जाम दिया होगा तो उसने जो ऑप्शन है वो देखते ही टिक कर दिया होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको ऐसा ही
लर्न करनी है। इसके अलावा जो आपको और बातें ध्यान रखनी है वो क्या कि जो हमारे पास सीपी है वो डेल्टा यू बाय डेल्टा वी के बराबर होता है, सीपी किसके बराबर होता है डेल्टा एच बाय डेल्टा टी के। तो ये जो तीन रिजल्ट है ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो रिजल्ट है आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम आल्सो। आई होप ये जो हमने हीट कैपेसिटी किया, उसके बाद हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किया, मोलर हीट कैपेसिटी किया, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये सब हमने किया। उसके बाद हमने देखा सीवी और सीपी का क्या फॉर्मूला होता है, उसके अलावा हमने सीपी सीवी का रिलेशन भी किया। आई होप आप सभी को ये चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो एट लास्ट जब हमारा लेक्चर होता है तो उसमें हमारे पास कुछ टर्म्स आते हैं, बेसिक टर्म्स क्या, दैट कीप लर्निंग देन सेकंड, कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग गिव योर बेस्ट, ओके कीप प्रैक्टिसिंग द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या आता है, एक अच्छा सा एक इमोजी आता है जिसे हम क्या कहते हैं, हम बात करते हैं यहां पर थैंक यू की और बोलते क्या है Keep smiling and give your best. ठीक है बच्चों, so this one is all about today's lecture. I hope आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, अपना टॉपिक जरूर बताएं, so that हम उस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करें, ठीक है। So this one is all about today's topic. So thank you.